मैं शशांक शेखर त्रिपाठी अधिवक्ता हूं और इस्लामिक सद्भावना फाउंडेशन का ट्रस्टी सचिव हूं। किस तरीके का आपने आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया और क्या है पूरा मामला? एक सत्य प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, ये बनारस से लोकसभा का चुनाव भी मोदी जी के खिलाफ लड़ चुके हैं। ये लगातार पिछले कई वर्षों से मोदी जी के खिलाफ और हिंदू धर्म के खिलाफ अनावश्यक बयान अपने फेसबुक पोस्ट पर जारी कर रहे थे। इसको जब मैंने देखा फेसबुक पोस्ट पर, तो मैंने इनको चेतावनी दी और फेसबुक पोस्ट पर ही इनको एक लीगल नोटिस दी। उनसे मैंने कहा कि आपका यह कृत्य आईपीसी और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध है, आप इसको हटा दें। लेकिन वो उसको हटाने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद हम लोग आईजी साहब से जा करके मिले, पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र, और उनके आदेश पर कैंट थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ। और 120 BIPC और 67 IT Act के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। यह संघीय धाराएं हैं, इसमें गिरफ्तारी होनी आवश्यक है। अब हम लोग SSP से मिल करके यह मांग करेंगे कि इनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए और इनका फेसबुक अकाउंट बंद किया जाए।